नमस्कार दोस्तों आज देखिएगा मैंने कितना प्यारा कितना सुंदर और कलरफुल लेडीज़ शूज बनाया है ये देखिएगा और ये मैंने अपने लिए बनाया है ये देखिएगा कितनी सुंदर सॉक्स बन के तैयार हुई है ये देखिएगा और जो भी मेरे पास थोड़े थोड़े कलर पड़े थे मैंने सबको मिलाकर और ये मोजा बनाया है जो कि इसको मोजा बोलते हैं सौकसी भी बोलते हैं ये देखिएगा मैं आपको हाथ में डालकर दिखाती हूँ इस तरीके से और ये मैंने अंगूठे वाला बनाया है ये देखिएगा और कितना सुंदर कितना प्यारा है और खूब आराम से मेरे पैर में आ गया है और ये मैं पाँच से छः नंबर का आराम से आ जाएगा आप अपने लिए बना सकते हैं और ये जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं दो कलर में या फिर एक कलर में जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं लेकिन ये मैंने अपने लिए बनाया है लेडीज़ शूज है ये तुम्हारा इस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है ये देखिएगा और कितना प्यारा लग रहा है और कलर भी मैंने किस तरीके से मिलाए हैं इसमें सारे जो जो मेरे पास कलर बचे हैं थोड़े थोड़े बच जाते हैं तो उन कलरों को मैंने मिला करके के और ये तैयार किया है तो इसी में मैं आपको बना कर दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से ये तैयार किया है और आप किस तरीके से बना सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना सब्सक्राइब करना और जो मेरे चैनल पर पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो ये देखिएगा हमने यहाँ से तीन लेन बनाई है तीन से चार लेन है एक दो तीन चार पाँच पाँच लेन पे हमने बंद कर दिया है छठी लेन से हमने ये आगे का पोशन बनाया है ये देखिएगा यहाँ से हमने बंद करके और ये इस तरीके से हमने बनाया और ये नीचे की साइड है ये देखिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो देखिएगा इसमें मैं सबसे पहले पचास और एक इक्यावन चैन बनाऊंगी। आप इसे छोटा ही बना सकते हैं जितनी आपको आपके पैर का नापा हो तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो इस तरीके से मैं चैन बना लेती हूँ तो देखेगा हमने इसमें इक्यावन चैन बना ली हैं पचास और एक तो देखना इस तरीके से हम धागा घुमाएंगे और ये हम पहली वाली चैन को छोड़ देंगे इसको और इसमें हम बनाएंगे हाफ क्रोशिया देखना इस तरीके से एक साथ इसको हम निकाल लेंगे और ये हमने पूरा एंड तक हमने हाफ़ क्रोशिया का ही बनाया हमने डबल क्रोशिया कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है इस तरीके से आपका फंदे आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं चैन जैसे आपको ऊपर का पोशन अगर ज़्यादा लगता है अगर ढीला चाहिए तो ढीला इसमें डोरी भी डाल सकते हैं अगर किसी को ढीला लगता है तो आप डोरी भी डाल सकते हैं मैंने डोरी नहीं डाली है क्योंकि मेरे ऐसे ही आ गया है इसलिए मैंने डोरी नहीं डाली है तो आप डोरी भी डाल सकते हैं क्योंकि कोई कोई पसंद करते हैं कि ढीला नहीं पसंद करते हैं तो टाइट चाहिए तो आप डोरी बना सकते हैं या फिर फंदे भी कम कर सकते हैं जैसे कि मैंने पचास और एक इक्यावन फंदे डाले हैं तो आप उसमें दो तीन फंदे कम कर सकते हैं तो इस तरीके से मैं पूरी रो तैयार करूँगी तो देखिएगा हमने ये वाली रो तैयार करके दो दफ़े हमने दो लाइन बनाई है इसकी और दो लाइन बना के हमने तीसरी लाइन ये इसकी चालू कर दी है तो देखना हमने दो लाइन इसकी बना ली है तो दो लाइन हमने किस तरीके से बनाई है ये देखना फंदे हमारे यहाँ से बढ़ेंगे ठीक है बीच में से और हमने आधे आधे फंदे कर लिए हैं पच्चीस इधर और पच्चीस इधर दोनों तरफ पच्चीस पच्चीस करके जो हमारा एक फंदा फालतू बचा था उस पर हमने ये डिजाइन डाला है तो ये मैं पूरा करके दिखाती हूँ उसके बाद में और डिज़ाइन डालूँगी उस तरीके से फिर मैं बताऊँगी तो देखना हमने इस तरीके से सारे फंदे बनाते हुए गए आप ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से भी ले सकते हैं जो जो कलर आपके पास हैं जो भी छोटे थोड़े थोड़े बच जाते हैं वो मिलाकर आप बना सकते हैं बहुत अच्छा जूता बनेगा जो कि हम मोजा कहते हैं इसको तो इस तरीके से मैं इसकी पूरी लाइन तैयार करूँगी और फिर आगे दिखाऊँगी आगे बताऊँगी कि मैंने फंदे इसमें कैसे बढ़ाए हैं ये देखिएगा पंजा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसमें मैंने चार से पांच लाइन बनाई है उसमें मेरा पंजा तैयार हो गया है उसके बाद फिर नीचे का हमने तैयार किया है उसमें भी हमने आधे आधे फंदे अलग अलग करके और फिर अलग अलग बनाए हैं इसमें मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ एक अभी मैंने बनाया है जो कि हमने उसमें जाली वाला बनाया है तो देखिएगा हम यहाँ पर धागा चेंज कर रहे हैं क्योंकि दो लाइन हमने इसकी बना ली है और एक चैन उतारी है एक चैन उतारने के बाद इसमें आगे वाली चैन में इस तरीके से हाफ क्रोशिया हम बनाते हुए जाएंगे और पूरा हमने हाफ क्रोशिया ही बनाया है इसकी मैंने एक दफ़े ही लाइन उतारी है क्योंकि जो जो मेरे को ऊन थोड़ी थोड़ी लगी है कम कम पर लगी है उसकी मैंने एक लाइन उतारी है और जो बराबर है ऊन उसकी मैंने दो लाइन उतारी है तो जैसे पीली मेरे पास ठीक है ऑरेंज कलर की ज़्यादा है तो इसकी मैंने दो लाइन उतार ली हैं और ये हरे कलर की मेरे पास कम ऊन है तो मैंने एक लाइन उतारी है क्योंकि एक हम ऊपर बनाएंगे जो कि हमारा जो बराबर हो जाएगा तो इस तरीके से हम ये जूता तैयार करेंगे जैसे छोटे छोटी थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है तो उसी में से हम मोज़ा या फिर बच्चे के लिए स्वाटर हम तैयार कर सकते हैं क्योंकि फालतू की ऊन हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए तो ये देखिएगा हम यहाँ पर आ गए हैं जो हमने डिजाइन डाला था तो देखना हम इसमें अभी बनाएंगे और जो हमने ये चार का बनाया है तो देखना हम ये वाले फंदे में भी बनाएंगे ये देखिएगा और अब हमारा ये बीच में आ गया ये देखिएगा तो बीच में हम यहाँ पर ये देखना एक दो दो दफ़े बनाया और यहाँ पर हम एक चैन लेंगे एक चैन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा सा धागा बड़ा सा खींचना है इतना बड़ा भी नहीं कि जो छोटा बड़ा लगे बराबर का खींचना है इस तरीके से जो थोड़ा डिजाइन पता चले कि हाँ ये डिजाइन आ रहा है उभर के और और जो हमने साइड में जो हमने बनाया था इसमें से भी हम बनाएंगे ये देखिएगा तो ये हमारे फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं जितना आपको बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं ये देखिएगा इस तरीके से हमने ये लाइन तैयार करेंगे पूरी ये देखना तो हमारे इस तरीके से ये फंदे हमारे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो ये हमारी अलग से डिजाइन आ जाएगा तो देखिएगा हमने ये पूरी रो तैयार कर लिया यहाँ से और यहाँ तक ठीक है यहाँ तक हमने तैयार कर लिया अब यहाँ से ही हम चाहे तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं या फिर इधर से जोड़ सकते हैं तो मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी तो हमारा दूसरा कलर हमारा ये वाला आएगा इस तरीके से और यहीं से मैं जॉइंट करूंगी इसी फंदे से तो एक चैन बनाई हमने एक चैन बनाने के बाद फिर से हम यही इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे बहुत जल्दी बनके तैयार होता है मैंने ये एक दिन में तैयार किया है ये वाला जूता तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं दोनों जूते तो मैंने एक दिन में ये तैयार कर लिया है दो डेढ़ घंटे में तैयार कर लिया है मैंने ज़्यादा टाइम नहीं है ये देखिएगा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है क्योंकि हाफ क्रोशिया भी है तो क्रोशिया से तो और ही जल्दी बनता है और थोड़ा मोटा भी रहता है क्रोशिया आप कोई भी हिसाब का ले सकते हैं मेरा ग्यारह नंबर का क्रोशिया है और मैं हमेशा ज़्यादातर ऐसे ग्यारह नंबर का ही क्रोशिया यूज करती हूँ तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये एक दिन में दोनों मुझे बना सकते हैं तैयार कर सकते हैं जो घर में पहनने के लिए या फिर किसी को अपने फ्रेंड को देने के लिए आप बना सकते हैं तो मैं तो इस तरीके से बना रही हूँ ये देखिएगा कितना जल्दी देखना तैयार होता है आपके ऊपर बात है कि आप कितना जल्दी बनाते हैं आपका हाथ धीरे चलता है या फिर जल्दी चलता है तो मैंने ये एक बाल एक तो मैंने एक दिन में तैयार कर लिया है इस तरीके से देखना हम डिजाइन के ऊपर आ गए हैं ये रहा हमारा डिजाइन ये देखना ठीक है और यहाँ पर हम इस तरीके से लेंगे थोड़ा सा धागा ऊपर खींचेंगे एक बनाया फिर धागा खींचेंगे और ये दो बन गए और एक चैन बनाई हमने यहाँ पर और फिर से हम यहाँ पर धागा खींच के दो दफ़े बनाएंगे तो ये हमारा चार काटे है यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं इस तरीके से तो ये भी मेरे पास थोड़ी ऊन है तो इसकी मैं इसकी भी मैं एक ही लाइन बनाऊंगी यहाँ पर और एक लाइन हम लास्ट में बनाएंगे इस तरीके से ये देखिएगा तो ये हमारा देखना कितना सुंदर और कितना प्यारा बन के आ रहा है ये देखिएगा तो इसी तरीके से आपको आगे भी तैयार करना है तो मैं ये आगे तैयार कर लेती हूँ फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके से बनाना है और इसमें मैं बता दूँ आपको कि हमें इस तरीके से हम पकड़ेंगे तो उल्टा करके यहाँ से हम सिलाई करेंगे इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे फिर दोनों को हम यहाँ पर आके आपस आप उसमें जोड़ के फिर ये हम अलग अलग दोनों की सिलाई करेंगे तो इस सिलाई में बताएं दे रही हूँ कि आपको सिलाई किस तरीके से करनी है उल्टे पे करनी है इस तरीके से तो ये बाहर से दिखा रही हूँ और सिलाई आपको यहाँ से शुरू करनी है यहाँ से इस तरीके से और यहाँ तक आके ये अलग अलग हो जाएंगे हमारे जितना आपको अंगूठा चाहिए उतना आप बना सकते हैं और ये सिलाई कर सकते हैं अलग अलग करके तो इस तरीके से हमारा अलग बट जाएगा जो कि अंगूठे और उंगलियों का अलग से हो जाएगा ये देखिएगा तो इस तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा तो मैं इतना ही आपको बनाकर दिखाऊंगी तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए नमस्ते